खबर इंदौर से है, जहां पहली क्लास के बच्चे को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बच्चे की मां का आरोप है कि स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल ने मासूम बेटे को डंडे से पीट दिया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसके दोस्त के हाथ से पेंसिल गिर गई तो उसे उठाने लगा। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बच्चे की मां ने विजयनगर थाने में शिकायत की है। बच्चे की मां का आरोप है कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, उल्टा यह कहा कि अकेली हो, इन सब मामलों में मत पड़ो। वहीं पुलिस ने बताया कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई। घटना मालवीय नगर स्थित निराला स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल की है। ज्योति करोले ने बताया कि उनका बेटा नितिन पहली क्लास में पढ़ता है। उसका एडमिशन 20 दिन पहले ही कराया है। शनिवार को नितिन स्कूल से घर आया तो गुमसुम था। उसका गाल लाल था, गाल पर उंगलियों के निशान थे। ज्योति ने बेटे से गाल लाल होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि क्लास टीचर और प्रिंसिपल ने खूब पीटा है। नितिन स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल सुनील की मार से इतना डर गया है कि वह अब स्कूल नहीं जाना चाहता है। नितिन करोले ने बताया कि टीचर पढ़ा रहे थे, तभी उसके दोस्त के हाथ से पेंसिल नीचे गिर गई। मैं पेंसिल उठाने के लिए उठा तो टीचर ने मुझे अपने पास बुलाकर गाल पर मारा, फिर डंडे से मेरी पिटाई कर दी। इस दौरान प्रिंसिपल क्लास में आ गए, उन्होंने भी मुझे डंडे से कंधे और गाल पर मारा। ज्योति ने बताया कि नितिन के गाल के अलावा उसके कंधे पर भी डंडे के निशान थे। जब उसने पूछा क्यों मारा तो वह कारण सुनकर हम हैरान रह गए। क्या कोई मामूली सी बात पर बच्चे की इतनी बेरहमी से पिटाई कर सकता है? ज्योति करोले ने बताया कि विजयनगर थाने जाकर स्कूल की शिकायत की। वहां मुझसे कहा गया कि हम बात करते हैं। बाद में पुलिस वालों ने कहा कि अकेली हो, कहां इन सब चक्करों में पड़ रही हो। स्कूल वाले माफी मांग तो रहे हैं। वहीं विजयनगर TI रविंद्र गुर्जर का कहना है कि महिला को हमने बोला कि FIR करा दो, लेकिन वह कह रही है कि हमारा राजीनामा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। अच्छा, कैसे मारा?